कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। वाह 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 कि कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। और ये कुछ सिलेक्टेड शेर आपके लिए लाया हूँ, पहले वो सुना दूँ, इसके बाद एक आध गज़ल सुना दूँ। एक से ये देखिए कि यूं तो रुसवाई जहर है लेकिन, यूं तो रुसवाई जहर है लेकिन इश्क में जान शीशे पड़ती है। कि यूं तो रुसवाई जहर है लेकिन इश्क में जान शीशे पड़ती है। क्या कहने। वाह। और एक शेर ये देखिए कि क्या कहने। हाल मीठे फलों का मत पूछो, हाल मीठे फलों का मत पूछो, हाल मीठे फलों का मत पूछो, रात दिन चाकुओं में रहते हैं। वाह। कि हाल मीठे फलों का मत पूछो। शुक्रिया। रात दिन चाकुओं में रहते हैं। वाह। और एक शेर यह है कि मोहब्बत अपनी किस्मत में नहीं थी, मोहब्बत अपनी किस्मत में नहीं, मोहब्बत अपनी किस्मत में नहीं थी, इबादत से गुजारा कर रहे हैं। वाह। मोहब्बत अपनी किस्मत में नहीं थी, इबादत से गुजारा कर रहे हैं। वाह। इबादत से गुजारा कर रहे हैं। क्या कहने। और एक शेर यह है कि दिल से साबित करो कि जिंदा हो, दिल से साबित करो कि जिंदा हो, दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। वाह वाह वाह। कि दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत, सांस लेना कोई सबूत नहीं। वाह। और ये शेर देखिए कि बस ये दिक्कत है भूलने में उसे, बस ये दिक्कत है अब भूलने में उसे, बस ये दिक्कत है भूलने में उसे, उसके बदले में किसको याद करें। वाह। ये भी अच्छा है। क्या बात है। कि बस ये दिक्कत है भूलने में उसे। वाह वाह वाह। पीछे पीछे। वाह। बस ये दिक्कत है भूलने में उसे, उसके बदले में किसको, उसके बदले में किसको याद करें। वाह वाह वाह। और ये शेर देखिए कि दो शेर हैं गजल के जी। उसकी जुल्फें उदास हो जाएं, उसकी जुल्फें उदास हो जाएं, उसकी जुल्फें उदास हो जाएं, इस कदर रोशनी भी ठीक नहीं। वाह। और ये शेर देखिए कि तुमने नाराज़ होना छोड़ दिया, तुमने नाराज़ होना छोड़ दिया, तुमने नाराज़ होना छोड़ दिया, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। वाह वाह। अच्छा है भाई। क्या तुमने भाई साहब क्या जबान है। वाह 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 वाह। तुमने नाराज होना छोड़ दिया, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। और एक जो एक मतलब शेर ये बहुत पसंद है बापू को जी इरशाद के, कितना महफूज हूँ मैं कोने में, कितना महफूज हूँ मैं कोने में, कोई अड़चन नहीं है रोने में। वाह बहुत अच्छा। और इस शेर देखिए कि मैंने उसको बचा लिया वरना, मैंने उसको बचा लिया वरना डूब जाता मुझे डुबोने में। मैंने उसको बचा लिया वरना डूब जाता मुझे डुबोने में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह। और एक शेर उस्ताद खास तौर से दो शेर होने इसके बाद ही गजल पढ़ूंगा। जरा जाने से पहले ये बता दे, जरा जाने से पहले ये बता दे, तेरे आने से पहले कौन था मैं। कि जरा जाने से पहले ये बता दे, तेरे आने से पहले कौन था मैं। और ये शेर देखिए कि हवाएं, ये आजकल का है माहौल है, हवाएं चाक के नज़दीक आन बैठी हैं, हवाएं चाक के, चाक कुमार वाला चाक, हवाएं चाक के नज़दीक आन बैठी हैं, अभी बना भी नहीं है चराग मिट्टी का। वाह वाह। शुक्रिया। फिर पढ़िए। आप इतना करीब हो जाते हो।
हवाएं चाक के नज़दीक आन बैठी हैं, अभी बना भी नहीं है चराग मिट्टी का। वाह वाह। और ये गज़ल के शेर के, तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। कि तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। और ये शेर देखिए कि गज़ल का शेर है, कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, मैं हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ। शुक्रिया। कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, वाह 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 वाह, मैं हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। और एक शीर्ष में ये है कि अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, मैं सचमुच मुस्कुराना चाहता हूँ। अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, कि मैं सचमुच मुस्कुराना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अमीरी इश्क की तुमको मुबारक, अमीरी इश्क की तुमको मुबारक, अमीरी इश्क की तुमको मुबारक, मैं बस खाना कमाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, वाह। और ये शेर देखिए कि मुझे तुमसे बिछड़ना ही पड़ेगा, मुझे तुमसे बिछड़ना ही, मुझे तुमसे बिछड़ना ही पड़ेगा, मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। मुझे तुमसे बिछड़ना ही पड़ेगा, वाह वाह वाह, मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। और ये वो फरमाइश मेरे पास अभी आई थी, वो कल जो गज़ल के शेर सुनाए थे थोड़े से वहाँ, वो उसको जी, कि समंदर उल्टा सीधा बोलता है, समंदर उल्टा सीधा बोलता है, समंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है। वाह। कि समंदर उल्टा सीधा बोलता है, अच्छा शेर है, वाह वाह वाह, सलीके से तो प्यासा बोलता है। वाह वाह। और इसका एक मतलब ये है कि यहाँ तो उसका पैसा बोलता है, वाह, यहाँ तो उसका पैसा बोलता है, वहाँ देखेंगे वो क्या बोलता है। या तो उसका, यहाँ तो उसका पैसा बोलता है, यहाँ वहाँ में क्या शेर बना दिया, वाह वाह, वहाँ देखेंगे वो क्या बोलता है। वाह वाह। और ये शेर देखिए कि तुम्हारे साथ उड़ाने बोलती हैं, तुम्हारे साथ उड़ाने बोलती, उड़ाने बोलती हैं, हमारे साथ पिंजरा बोलता है। वाह वाह। तुम्हारे साथ उड़ाने बोलती हैं, हमारे साथ पिंजरा बोलता, हमारे साथ पिंजरा बोलता है। और ये शेर देखिए कि निगाहें करती रह जाती हैं हिज्जे, निगाहें करती रह जाती हैं हिज्जे, वो जब चेहरे से इमला बोलता है। निगाहें करती रह जाती हैं हिज्जे, वो जब चेहरे से इमला बोलता है। मैं चुप रहता हूँ इतना बोल कर भी, मैं चुप रहता हूँ इतना बोल कर भी, तू चुप रहकर भी कितना बोलता है। कि मैं चुप रहता हूँ इतना बोलकर भी, तू चुप रहकर भी कितना बोलता है। और ये शायरों से माजरत के साथ ये शेर है कि मैं हर शायर में ये भी देखता हूँ, मैं हर शायर में ये भी देखता हूँ, बिना माइक के वो क्या बोलता है। कि मैं हर शायर में ये भी देखता हूँ, अच्छा, बिना माइक के वो क्या बोलता है। शुक्रिया। माइक ने क्या इशारा किया, अब याद तो दस्ताना होता तेरा मोजा, दो चार शेर और सुना दीजिए। एक अगर पैमाना होता मैं खाना, अच्छा अच्छा, वो एक, वो एक पुरानी गजल है, एक वो आपको पसंद है वो सुना देता हूँ, और याद नहीं होता ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, दो शेर हैं उसमें, देखिए कि पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा।
क्या बात, क्या बात। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। और इस शेर ये देखिए कि मैं तो रहता हूँ इश्क में मसरूफ़, मैं तो रहता हूँ इश्क में मसरूफ़, कैश करता है काम काज मेरा, कैश करता है काम काज मेरा। और ये गज़ल वो हर मुशायरे में ही बापू सुनते हैं मुझसे, वो फिर पेश है कि ज़रा मोहतात होना चाहिए था, ज़रा मोहतात होना चाहिए था, बगैर अशकों के रोना चाहिए था। और शेर्स में ये है कि अब उसको याद करके रो रहे हैं, अब उसको याद करके रो रहे हैं, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था। बहुत अच्छा। और ये शेर देखिए कि मेरी वादा खिलाफी पर वो चुप है, वो चुप है, मेरी वादा खिलाफी पर वो चुप है, मेरी वादा खिलाफी पर वो चुप है, उसे नाराज होना चाहिए था। मेरी वादा खिलाफी पर वो चुप है, उसे नाराज होना चाहिए था। और ये शेर आखिरी के हमारा हाल तुम भी पूछते हो, हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था, हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था।